कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अमनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और काफी दिन बाद जो है मेरे घर का ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। मतलब वही हो रहा था, फेस्टिवल, सारी शादियां वगैरह सब इन सबका ही हो रहा था। तो मैं अभी किचन में आई थी तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मैं यहीं से शेयर क्यों ना कर दूं। तो मैं आज बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी के लिए मैंने काट लिया है सामान, मतलब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च काट लूंगी। तो यहाँ पे मैं काट रही थी, टमाटर काट लिए, प्याज काटनी बाकी है। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं मैक्रोनी। तो मैंने सोचा यहीं से आप लोगों से बात कर लूँ। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप ये बताइए होली का फेस्टिवल कैसा रहा, ये भी बताइए। तो अभी बस ये है ना, बस नाश्ता करने के बाद जो है फिर आप लोगों को बताती हूँ मैं। आज कहीं जाएंगे थोड़ा, तो आप लोगों को बता दूंगी कि कहाँ जाना है। अब मैं कुछ लेने के लिए गई थी बाहर और मैं भूल गई। ये चीज मेरे साथ पता नहीं क्यों होती है, भूल जाती हूँ चीजों को। समझ नहीं आती, तो चलिए याद आ जाएगी तो फिर ले आऊंगी। और पीछे कुछ पड़ा सामान थोड़ा सा ऐसे ही हुआ पड़ा है, तो आज मैं सही करती हूँ। आज संडे है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो मैंने कर दी है गैस स्टार्ट अपनी। तो चलिए मैक्रोनी बनाकर मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये हो गया मेरा तेल, मैं डाल देती हूँ प्याज वगैरह। तो इस तरीके से सारी चीजें एक साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज्यादा जली हुई प्याज अच्छी नहीं लगती है मैक्रोनी वगैरह में, थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे इसको बना लूँ, ये रखा है रेडी। तो और मैं आप लोगों से हाँ बता रही थी ना कि हम लोगों को कहीं जाना है, तो वो जाना है दो जगह जाना है। तो चलो अभी बस इसको नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी अभी देर में, थोड़ा सा वर्क करने के बाद जो है ना मैं हो जाती हूँ रेडी, और ये अपनी मैक्रोनी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बस शेयर क्या, इसमें टमाटर प्याज ये सब चीज़ें तो डाल ही दी हैं, और बस इसको डालकर सारे मसाले वगैरह जो अपने बेसिक से मसाले हैं बस वही डालूंगी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं डालूंगी। तो इसको बनाने के बाद जो है बस मैं हो जाऊँगी रेडी और आप लोगों से मिलते हैं सीधा बाहर। जैसे कि मैंने कहा था कि हम मिलेंगे थोड़ी देर गाड़ी में, तो हम आ गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं हम, जो अभी एक शादी हुई थी ना हमारे यहाँ, तो वो हम अपनी भाभी देखने जा रहे हैं, मतलब मेरी भाभी देखने जा रहे हैं, बहू की करने जा रहे हैं, हम लोग को दिखाई। तो हम लोग जाएंगे पहले घर, मम्मी जाएंगी हमारे साथ, तो पहले मम्मी को लेंगे और वर्षा जाएगी हमारे साथ, तब जाएंगे हम उनके यहाँ। और उनका घर भी चांदपुरी है, तो हम लोग फिर मुँह दिखाई करने के लिए जाएंगे। तो सर अभी बस हम बैठे हैं गाड़ी में और पहुंच जाएंगे बस और थोड़ी सी देर में, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। वैसे भी हमारे घर से कोई ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, मतलब एक घंटे का रास्ता है, वो भी घूम के आते हैं तो एक घंटे का है। ये एक घंटे का, ये कहाँ इधर एक घंटा ही लगता है। हाँ, तो ये बैठे साहब और वो बैठा दक्ष, मुँह लटका के आगे बैठने के लिए कह रहा था, अब बैठा है आराम से पीछे। ट्रैफिक तो ट्रैफिक कितना है सड़कों पे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। रोडवेज वाले तो अपने आप को पता नहीं खुदा समझते हैं, इतनी तेज चलाते हैं वो लोग, साइड वालों को कुछ समझते ही नहीं। और बताओ। हाँ, तो मैं एक चीज बताना आप लोगों को चाह रही थी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं एक चीज बता दूं, बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी कि मैं अब बताऊं और तब बताऊं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक बिग अनाउंसमेंट है, मतलब एक खुशी की बात है कि मेरा चैनल हो गया है मोनेटाइज। मतलब हो गया, थोड़ी सी अभी रह रहा है, थोड़ा सा अभी कुछ हैं चीजें जो रिक्वायरमेंट में है अभी, मतलब चल रही है, प्रोसेस में है वो चीजें, मतलब एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जो वहां से है वो कंप्लीटेशन मिल गया है, मतलब कि हाँ मोनेटाइज हो गया है, बस एक दो है जो आएगा वहां से वो वेरिफिकेशन के लिए, वो सब चीजें थोड़ी सी रह रही है। तो वो आप सबके सपोर्ट की वजह से हो गया, वरना मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम चैनल बनाया था कि हाँ मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी, कि आप लोगों ने सपोर्ट बहुत किया। तो ये वाला सपोर्ट जो है वो आगे भी बनाए रखना आप लोग हमेशा, ये आप लोगों की वजह से है। क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ वीडियो बनाना था, अपलोड करना था और एडिटिंग वगैरह था, मेन काम अगर आप लोग नहीं देखते तो वो ये सब नहीं होता। तो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। और जिन्होंने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल, तो वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, थोड़ी चैनल की ग्रोथ हो जाएगी मेरी और अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी देखने के लिए। क्योंकि मतलब एक दिन में तो कोई परफेक्ट नहीं होता, बट मैं
पहली वीडियो से कंपैरिजन अपनी इस वाली वीडियो की करूं तो मुझे ही बहुत सारे चेंज लगते हैं, तो आपको भी लगते ही होंगे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्यों, मैं काफी दिन से बताने की सोच रही थी और बता इसलिए नहीं रही थी, मैं सोच रही थी पहले हो जाए कन्फर्म तो ही बताऊँ आप लोगों को। तो उसके लिए आप सबका फिर से बहुत बड़ा थैंक यू कह दो कुछ। थैंक यू क्यों अपना गाड़ी चलाने में। और दक्षु तू कुछ कहेगा? है दक्षु, थैंक यू कहते हैं कि मम्मा के चैनल को तुमने इतना सब्सक्राइब कर दिया। तो चलो घर चल के मिलते हैं अभी। अब हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में घर में। तो यही चीज थी जो मैं आप लोगों को काफी दिन से बताना चाह रही थी, जो मैंने आपको बता दी। तो हम मिलते हैं घर जाके, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, रेडी हैं या नहीं है। लड्डू ओपे 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 अरे 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 बुआ से पहले तो फूफा नहीं ले लिया गोदी भैया को, बुआ से पहले तो बड़ा आ गया। हो गया, शुशु कर रखी है? हाँ शुशु कर रखी भाई। भैया जब पजामी लेके आई है दक्षिण की, भैया दक्षिण उठा दिए भैया की पजामी। ए चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना चुन्ना मेरा चुन्ना मेरा चुन्ना मेरा चुन्ना मेरा चुन्ना मेरा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। मोटरसाइकिल सामने बेटा हंस दो इसकी तो बात ही अलग है। यू कह रहे मोटरसाइकिल सामने है बुआ। अच्छा 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 मोटरसाइकिल दक्ष तो एक मिनट ये फोन पकड़, मैं इसका वो बदल फाइट वायरल या सी आई चल रहे हैं और क्या बता। आयु अरे इसके चक्कर में तो आयु भी ना मिला अभी। आयु आयु बच्चा ये रहा। ओ तो बुआ को देख के छुप गया शेर, बुआ को देख के छुप गया। नमस्ते तो कर लो बुआ को। नमस्ते कह दो बुआ जी, कह दो बुआ जी। मैं देख कर छुप गया। ओ छुप गए तो गलत बात है, अपने घर पे आने वालों को देख के छुपते हैं, बुआ को देख के। प्यार कर दो बुआ के, किसी कर दो जल्दी बुआ के। आहा और पता है छोटे भाई को लेने के चक्कर में सब बड़े भैया को भूल गए। फिर मैंने कहा मेरा आयु कहाँ है? आयु को तो सब लोग याद करते हैं, सब लोग कहते हैं आयु बहुत अच्छा है। सब आयु के सर अच्छा लगती है। हाँ आयु तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। आप सबको आयु अच्छा लगता है ना? हाँ आप सबको आयु अच्छा। सब्सक्राइब के लिए तैयार हो जाना। हाँ आप लोग सब हाँ आप लोग सब्सक्राइब कर देना, तैयार हो जाना। क्या तो आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने हैं बेटे? हाँ हम कहीं जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हो? आओ गोदी में आओ, मम्मी के वर्षा के पास चल रहे हैं। आओ किचन में आओ, ऊपर आओ मेरी गोदी में आओ। चलो 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 बड़ी पागल है भाई, बड़ी पागल है। क्या कह रही है बताओ? मम्मी मैं लग रही कम एज की है पतली होने के बाद। अरे मम्मी तुम्हारी बहू के सामने तो फेल है। कसम से नहीं भाई, भाई देखो अगर तुम आओ टी शर्ट में तो तुम मुझे बताइयो भी ब्लॉग देख के। भाई नहीं दिखा रही मेरे बासन में, तो टी शर्ट में तो अच्छी लग रही है। ये तो ये चाय कितनी अच्छी लगे इन्हें पता ना क्यों अपने ऊपर वही लो देखो कितनी यंग लग रही है। मतलब इनके जैसे हम हो जाएंगे, ये यंग लग रही है लड़की तो लग रही है। ना वर्षा का तो तोड़ी ना। खैर कुछ चाय वाय ना बना रहे? आइयो बड़ी पागल आएंगी।
चन्ना चन्ना हेलो हेलो हेलो।